हेलो हेलो। हाँ, कौन? सर। सर मैं ज्योति मेडिकल स्टोर से बात कर रही हूँ। ज्योति मेडिकल स्टोर। ये कौन है ज्योति मेडिकल स्टोर? कहाँ पे मिला है आपने? ये कहाँ से है? कहाँ पे है ज्योति मेडिकल स्टोर? ये आपके बस घर के 2-3 किलोमीटर दूर है। अच्छा, जो अभी उद्घाटन हाँ हुआ था अभी, ज्योति मेडिकल हाँ स्टोर हाँ का? हाँ अभी जस्ट न्यू इनॉग्रेशन हुआ है हमारे स्टोर का। अच्छा, जहाँ पे अभी ज्योति मेडिकल स्टोर उद्घाटन हुआ था उसके सामने किसी बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को तमाचा मारा था, वही बात वही है? हाँ, वही वही वही। हाँ अच्छा हाँ, बताइए क्या बात है। एक्चुअली ना हमारे यहाँ सप्लाई मेडिसिन का कम हो गया, मतलब मेडिसिन की है नहीं हमारे पास, तो हमें कुछ मेडिसिन की जरूरत थी। अच्छा, आपको दवाइयाँ चाहिए? हाँ, हाँ तो बताएं कौन कौन सी दवाई चाहिए आपको। लाइक मुझे ना एक वो पेनिसिलिन ग्रीसियोफोलिवम वाली एक क्रोकेक्स कौन सी तो भी है वो चाहिए थी। ये क्या बोल रही? हाँ, और क्या लाना है? पेनिसिलिन ग्रीसियोफोलिवम या पहली ये बार सब हम सुन रहे हैं, ये चीज। क्या बोल रही है समझ में नहीं आ रहा। चलो, और क्या, और कौन सी दवाई लानी है? क्रोकेक्स कुछ क्रोकिक? ऐसी है क्या? नहीं, हमारे पास तो ऐसी दवाई नहीं है। आप काहे हमको परेशान करने के लिए कॉल कर रहे हो? ऐसी दवाई कहीं आई है क्या मार्केट में? हम तो पहली बार सुन रहे हैं आपके मुंह से। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है? अरे, दवाई है ही नहीं तो ऐसा ही तो हो सकता है, आप समझ कह नहीं रहे। बट मुझे तो डॉक्टर ने ये वाली मेडिसिन बोला कि किसी को चाहिए थी तो। अरे, तो ऐसी दवाई है ही नहीं, डॉक्टर से हमें बात कराओ ना। डॉक्टर क्या भांग खा के बैठा था क्या बताने में? वही लग रहा है मुझे भी। इतना लंबा नाम बता दिया, हम खुद भूल गए आप नाम। ऐसी कभी हाँ मेडिकल स्टोर में आई नहीं दवाई, तो हम कहाँ से लें? अच्छा कुछ ऐसे रोटी फिरेक ऐसे कुछ है क्या मेडिसिन? यार, कैसे नाम बता रही हो आप? फुर्सत में आई हो क्या मेरे को परेशान करने के लिए? आप नहीं नहीं वैसे भी भैया मैं आपको दिमाग खराब हो परेशान नहीं जा रहा है, कर रही वैसे भी हूँ। दिमाग खराब हो जा रहा है, इतनी गर्मी में कुछ धंधा पानी भी नहीं चल रहा, अब और हो परेशान कर रहे हो। फुर्सत में आए हो? नहीं नहीं भैया मैं आपको परेशान नहीं कर रही, मुझे जैसा डॉक्टर ने बताया वैसे ही आपको बता रही हूँ। भैया बोल के दिल तो हो गया मैंने। अच्छा, ऐसी बात है। तो वैसे ना, आप एक बार डॉक्टर से बोल देना कि जरा भांग वांग कम खाया करो और दवाइयाँ सही से लिखा करो, ठीक है? बट भांग तो पीते हैं खाते नहीं है। भांग पीते हैं? हाँ अच्छा, पक्का इसकी पत्नी कूट के देती होगी भांग। यही बात है। हाँ जरा उनसे बोल देना, कह दो भैया अभी नया नया हमने ज्योति मेडिकल स्टोर ओपन कराया, काहे बेइज्जती कराना चाहते हो, काहे बंद कराना चाहते हो, थोड़ा अच्छे अच्छे नेम बताओ। हाँ हाँ जरूर बोलूंगी हाँ, मैं। और कोई दवाइया का नेम हो तो आप जरा बता सकते हो हमको? आपके पास विक्स और क्रोसिन तो होगी ना? विक्स और क्रोशिन? हाँ, वो तो है हमारे पास, हाँ वो मिल जाएगा। बताइए कितने हाँ डब्बा भेज दें? 10 15 20? 2-3 किलो भेज दो। 2 3 किलो? हाँ हम तौल के नहीं देते मैडम, हम ऐसे देते हैं गत्ते में। आपको लेना तो लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, आप दिमाग ना खाओ हमारा। ठीक है भैया। और कोई दवाइयाँ लेनी है मैडम आपको? नहीं नहीं बस यही चाहिए थी। हाँ, हमको पैसे जरा भेज देना, फोन पे कर देना इसी नंबर पे, हम दवाइयाँ आपके भी भिजवा रहे हैं, ठीक है? घर में हाँ अभी भिजवाना है, मेरे दुकान को में? ठीक दुकान में भिजवाना है, है, कितने बजे तक अभी दुकान खुली नेटवर्क काम रहेगी? नहीं कर रहा है, बाद में आपको फोन पे कर दूंगी मैं। अरे, ऐसा कैसे होता है नेटवर्क काम नहीं कर रहा? जब नेटवर्क काम करे तभी बताना, तभी फोन पे करना, तभी हम दवाई भिजवाएंगे, ऐसे नहीं भिजवाएंगे। हमको भी ठीक है वहाँ ठीक पैसा है भैया। देना पड़ता है, हाँ हाँ भैया ठीक है। फ्री में थोड़ी ना मिलेगी। और जरा उनसे एक बार फिर से बोल देना कि दवाइयाँ थोड़ा सही से लिखें। हाँ, हाँ भैया बोलती हूँ। आप भी हमें लग रहा भांग खाए बैठी हैं।